शहर के वार्ड नंबर 24 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व पार्षद व भाजपा जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में उनकी ओर से सभी विधवा महिलाओं को शॉल भेंट किए गए। वहीं वार्ड की बुजुर्ग महिलाओं ने भी अपना आशीर्वाद योगेश ठाकुर को दिया। योगेश ठाकुर ने कहा कि उनका काम जनसेवा करना है, यही उनका धर्म है जिसे वह निभा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी लोगों को उनके सहयोग की आवश्यकता होगी वे हमेशा ही उनका साथ देंगे। अज वार्ड नंबर 12 वार्ड नंबर 24 के असी अपन मातावान का भैनों का आशीर्वाद लैन वास्ते मन से गल आई कि अज इन्हों का आशीर्वाद लीए। नवा साल आ रहा है, 2020 जरा है वो बड़ा एक प्रकोप रहा समाज के दुनिया के महामारी का एक हो रहा। 2021 जरा आने वाला सारे वास्ते सेहतमंद रहे। सारा विश्व साडा पठानकोट शहर साढ़े इलाके साडा जिला इस वास्ते मन च आया कि अपनी भैनों का मावं का आशीर्वाद लीए। उन्होंने वास्ते दुशाले अच असी उन्होंने समर्पण किए हैं। तो बस यही अज एक प्रोग्राम से दो वार्डों के वार्ड 24 तो वार्ड 12 के जोड़ा मेरा वार्ड पहले 12 इतने असं अच समारोह। देखो हर तरह के प्रयास रहेंगे, जिहड़ी जिहड़ी कमियां जिस जिस इलाके च भी कमियां रहिंदियां जिथे भी कोई जिन्हें जोगे आते हैं सेवा दे विच हमेशा ही वार्ड वाइज तो मैं सेवा करता ही नहीं। जिले के भी कोई आता है साढ़े को चाहे वह भोया कंसीचुएंसी हो चाहे वह पठानकोट कंसीचुएंसी हो जिन्हें जोगे है जो उन्हें किसी ने ढाई बजे आवाज़ मारी है तो भी हाजिर है। जिन्हें जोगे हैं वो तिलफुल झोले च पा दीता। रोटी जी है जे चार हिस्सों से मंडनी है तो चार मंडनी है, छे च मंडनी तो छे च मंड दी है। कल खाने की आप नहीं पाई दी, ठीक है। समाज वास्ते हमेशा कार्य करने वास्ते कोशिश करनी है कि मेरे हो कुछ किन्ने सवाल मिलेंगे। अज असी तकरीबन 170 शॉल जोड़े है उन्होंने वितरण किया। बाकी चलता रहेगा समाज सेवा के कार्य छोटे छोटे एक हाजिरी होती है मावं भैनों के चरणों के समाज के चरणों के हाजिरी लगाई। स्पीड नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।